नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मयूर पाई और मैं आपका IVF स्पेशलिस्ट हूँ जो गोवा इंडिया में काम करता हूँ। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ IVF के मेडिसिन के बारे में। IVF में तरी तरीके के मेडिसिन यानी कि इंजेक्शंस पाए जाते हैं, तो आज के एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि कौन से ये इंजेक्शंस हैं जिनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। तो आज मैं बात करूँगा मेनोट्रोपिन यानी कि HMG के बारे में, RFSH के बारे में, यूरिनरी FSH यानी UFSH के बारे में, सेट्रोएलिक्स इंजेक्शन, HCG इंजेक्शन और ल्यूप्रोलाइड एसिटेट फॉर ट्रिगर। इन इंजेक्शंस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और अंत तक ये वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको कोई भी इंजेक्शन के बारे में तुरंत जानकारी चाहिए और उसके बारे में डायरेक्ट आप वो टाइमलाइन पे जाना चाहते हैं, तो नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो आज हम डायरेक्ट पॉइंट पे जाते हैं। HMG ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन है IVF ट्रीटमेंट के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा IVF ट्रीटमेंट HMG इंजेक्शन के साथ ही करते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं करीबन 80-90% IVF साइकल्स HMG के द्वारा ही किए जाते हैं। तो आपके सामने ये बॉक्स है जिसमें HMG 150 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, यानी कि ये HMG 150 IU का पैक है। तो HMG क्यों इस्तेमाल होता है? IVF साइकिल में हमें चाहिए कि आपके अंडे ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉलिकल्स की मैच्योरिटी होनी चाहिए। इसके लिए हमको ये इंजेक्शंस आपको देने पड़ते हैं डेली बेसिस पे, यानी कि इंजेक्शन डेली देने पड़ते हैं आपके अंडे बनाने के लिए। तो ये सबसे कॉमन इंजेक्शन है 150 IU का, जो आपको IVF करते वक्त एक इंजेक्शन या दो इंजेक्शन भी एक दिन में लग सकते हैं। ये इंजेक्शन हम कम उम्र के औरतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 20 साल 22 साल, और उन औरतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी उम्र 40 से ऊपर हो, यानी कि 45-50 ईयर्स, अगर उनके अंडे बन सकते हैं तो। आइए अभी देख लेते हैं ये बॉक्स के अंदर क्या होता है। जब आप ये बॉक्स खोलते हैं तो आपको इसके अंदर एक लिक्विड मिलता है जिसको हम डाइलियोन बोलते हैं। ये लिक्विड और ये एक्चुअल मेडिसिन रहता है। अगर ये मेडिसिन की शीशी मैंने आपको क्लोजअप में दिखाई तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पाउडर है। तो आपका HMG इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में पाया जाता है। HMG की दवाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये पानी उसमें मिक्स करना पड़ता है। मिक्स करने के बाद HMG की दवाई तैयार होती है। इसको हम इंसुलिन सिरिंज में यूज़ करके या स्टैंडर्ड 2 ml सिरिंज में यूज़ करके औरत को आइदर हम IM मतलब इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। अगर औरत को दर्द कम होना है तो हम इसको इंसुलिन सिरिंज के द्वारा भी दे सकते हैं। कभी कभार हम रेकमेंड करते हैं कि एक दिन में 300 इंटरनेशनल यूनिट्स यानी कि दो ऐसे इंजेक्शन्स इस्तेमाल किए जाएं। तो दोनों हम एक ही साथ मिक्स करके एक ही इंजेक्शन मतलब एक ही सुई के द्वारा भी पेशेंट को दे सकते हैं। अभी ये इंजेक्शन को कैसे देते हैं, उदाहरण के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन हैं। महिला MC के पहले या दूसरे दिन को हमारे क्लिनिक में आती है। आने के बाद हम उनका अल्ट्रासाउंड यानी कि स्कैन करते हैं। स्कैनिंग में ये पता करते हैं कि उनके अंडे स्टार्ट के टाइम पे कैसे हैं। अगर उनके अंडे सब कुछ ठीक हैं और उनका टेस्ट ट्यूब बेबी आगे बढ़ा सकते हैं तो हम HMG इंजेक्शन की शुरुआत करते हैं। HMG इंजेक्शन डेली बेसिस यानी कि हर दिन को दिया जाता है। स्टार्टिंग में हम 5 दिनों का कोर्स एक साथ देते हैं, यानी कि हर दिन को 5 दिन के लिए पेशेंट को आना पड़ता है एक इंजेक्शन के लिए। एक बार 5 दिन का कोर्स हो गया उसके बाद 7वें दिन पे हम वापस स्कैनिंग करके देखते हैं कि ये HMG इंजेक्शन का क्या फ़ायदा हुआ है। ज़्यादातर महिलाओं में 5 दिन के इंजेक्शंस के बाद हम ये देखते हैं कि उनके अंडे करीबन 10 mm साइज के हो गए हैं। कभी कभार 10 के ऊपर भी रिपोर्ट आ सकता है। अगर
ऐसा रिपोर्ट आया है मतलब सब कुछ अच्छे से चल रहा है। इसके बाद हम आपका स्टिम्यूलेशन कंटिन्यू करते हैं और आपको अल्टरनेट डे पे या सेकेंड अल्टरनेट डे पे हॉस्पिटल में बुलाया जाएगा, यानी कि एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के आपको हॉस्पिटल में स्कैनिंग के लिए आना होगा। ऐसे ही स्कैनिंग करते करते हमको ये पता चलेगा कि एक दिन उनके फॉलिकल का साइज 14 mm भी हो गया है। उस दिन को हम HMG के साथ साथ सेट्रोएलिक्स इंजेक्शन भी देते हैं। तो आइए बात करेंगे सेट्रोएलिक्स इंजेक्शन के बारे में। ये सेट्रोएलिक्स इंजेक्शन है, सेट्रोएलिक्स का ये और एक कंपनी का सेट्रोएलिक्स इंजेक्शन है आपको दिखाने के लिए। दोनों इंजेक्शंस में सेट्रोएलिक्स का एक सिंगल डोज पाया जाता है जो 0.25 mg का रहता है। तो हम इसको अनबॉक्स करके देखेंगे कि इनके अंदर है क्या। तो जैसे ही आप बॉक्स को खोलेंगे आपको एक डाइल्यूएंट मिलेगा जो ये है, और आपको आपका ड्रग मिलेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपका ड्रग पाउडर फॉर्म में है, यानी कि लायोफिलाइज्ड फॉर्म। उसमें हम डाइल्यूएंट मिला के इसको अंदर मिला के हम आपका ड्रग तैयार करते हैं। ये ड्रग हम पेशेंट को इंसुलिन सिरिंज के द्वारा ही देते हैं, इसको 2 ml सिरिंज में भर के कभी नहीं देते। तो आपने देखा कि हम HMG के साथ साथ सेट्रोएलिक्स इंजेक्शन भी देते हैं। सेट्रोएलिक्स इंजेक्शन का रोल क्या रहता है ये भी आप सुनिए। IVF साइकिल में सबसे ज़्यादा हमें डर रहता है LH सर्ज का। LH सर्ज एक हार्मोनल फिनोमेना है जिसकी वजह से पेशेंट के जो IVF सक्सेस हैं वो कम हो सकते हैं। तो ये LH सर्ज को रोकने के लिए सेट्रोएलिक्स इंजेक्शन की काफ़ी ज़रूरत रहती है। तो हमेशा 14 mm साइज़ के बाद आपको सेट्रोएलिक्स इंजेक्शन हम ऐड करेंगे। उसके बाद डेली आपको HMG इंजेक्शन मिलेगा और सेट्रोएलिक्स भी मिलेगा, यानी कि एक हाथ में आपको ये किया जाएगा, दूसरे हाथ में आपको ये किया जाएगा। ऐसे करते करते एक दिन आपका फॉलिकल जो है करीबन एक 10-12 डेज के स्टिम्यूलेशन के बाद डोमिनेंट फॉलिकल आपका 18 mm साइज़ का हो जाता है, यानी कि मैच्योर हो जाता है। एक बार आपका फॉलिकल मैच्योर हो गया तो हम महिला को ट्रिगर इंजेक्शन यानी कि HCG इंजेक्शन देते हैं। ये HCG इंजेक्शन का बॉक्स है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं इस बॉक्स में HCG 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स है। ये बॉक्स को हम अनबॉक्स करके देखेंगे कि अंदर क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे इसके अंदर ऑलरेडी लिक्विड मौजूद है, यानी कि ये वायल के अंदर आपका जो ड्रग है वो रेडीमेड फॉर्मेट में है, यानी कि आपको बस ये इंजेक्शन के अंदर खींचना है और लेडीज़ को आप डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हो। HCG इंजेक्शन का काम है कि आपके फॉलिकल्स को फाइनल मैच्योरिटी देना और IVF के लिए तैयार करना। HCG इंजेक्शन के करीबन 35 से 36 आवर्स के बाद आपका ओवोसाइट पिकअप यानी कि अंडे निकालने की प्रक्रिया की जा सकती है। HCG इंजेक्शन आपका 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स के पैक में भी आता है, इसको भी थोड़े डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार HCG के साथ साथ हम ल्यूप्राइड एसिटेट नाम का भी इंजेक्शन देते हैं, इसको हम डुअल ट्रिगर भी कहते हैं। कौन सा ट्रिगर कौन से पेशेंट में क्या फ़ायदा देगा ये इसकी जानकारी आपके डॉक्टर को रहनी चाहिए और उस हिसाब से हम आगे का ट्रिगर प्लान करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि HMG इंजेक्शन के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली। इसके बारे में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आपने HMG इंजेक्शन इस्तेमाल किया है और उससे आपको फ़ायदा हुआ है तो उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अभी हम बात करेंगे FSH के बारे में। FSH दो तरीकों का मार्केट में मिलता है, एक है यूरिनरी FSH और दूसरा है रिकॉम्बिनेंट FSH। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है और FSH में और HMG में क्या फ़र्क है इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। HMG के 150 IU के पैकेट के अंदर
आपको जो पाउडर यानी कि ड्रग मिलता है उसमें 150 IU FSH रहता है और 150 IU LH रहता है। इन दोनों का मिक्सचर HMG कहलाता है। तो जब आप एक HMG का डोज देते हैं, आप 150 IU FSH प्लस 150 IU LH दोनों इंजेक्ट कर रहे होते हैं। RFSH का इंजेक्शन हम पॉलिसिस्टिक ओवरीज के केस में करते हैं, यानी कि वो औरतों में इस्तेमाल होता है जिनको पॉलिसिस्टिक ओवरीज होते हैं। RFSH का ड्रग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनता है। इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी का नाम है जिसमें हम 100% प्योर FSH बना सकते हैं। ये 100% प्योर FSH में LH की मिलावट बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा यूरिनरी FSH का। यूरिनरी FSH ये ड्रग के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5% LH पाया जाता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में LH पाया जाता है, पर बिल्कुल 100% FSH नहीं है ये। इन दोनों में प्राइस टैग का भी बहुत फर्क होता है। ये जो मेडिसिन है करीबन 2000 रुपीस का रहता है, वेरेज ये जो मेडिसिन है अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट के लिए 3500 के आसपास रुपीस में रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा IVF पेशेंट्स में हम RFSH पसंद करते हैं जिनको पॉलिसिस्टिक ओवरीज रहती है, पर अगर पेशेंट को बजट के अंदर IVF करना है तो उनमें हम यूरिनरी FSH भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देख लेंगे RFSH के बॉक्स के अंदर क्या होता है। अगर आपने पैकेट पे गौर किया तो ये 1200 IU का वायल है, मतलब ये मल्टीडोज वायल है। हमें IVF साइकिल के लिए कभी कभार 2 से 3 ऐसे बक्से इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। तो आइए खोल के देखते हैं अंदर क्या है। जब इसे हम खोलते हैं तो इसके अंदर एक वायल पाई जाती है जिसके अंदर ऑलरेडी लिक्विड मौजूद है। ये लिक्विड अल्ट्रा कॉन्सेंट्रेट है, यानी कि बहुत छोटे ML के पैक के अंदर आपको 1200 IUs मिल सकते हैं। इसमें जो ड्रग है उसको इंसुलिन सिरिंज में लिया जाता है, कितना डोज चाहिए डॉक्टर को उस हिसाब से, और पेशेंट को डायरेक्ट सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। इस इंजेक्शन को HMG की तरह डेली डोजेस में इस्तेमाल करते हैं। अभी देखेंगे इस ड्रग को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक चार्ट बनाया है आपको समझने के लिए। हमेशा महिला MC के दूसरे या तीसरे दिन पे हॉस्पिटल में आती है जहाँ पे उनका चेकअप होता है अल्ट्रासाउंड के द्वारा। अगर सब कुछ ठीक है तो RFSH के का डोजिंग चालू करते हैं। हमेशा RFSH मैं मेरे प्रैक्टिस में 5 दिनों का कोर्स स्टार्टिंग में ही देता हूँ, ताकि 5 दिनों को पेशेंट को फॉलोअप ना करना पड़े। 5 दिनों के बाद हम पाते हैं कि अपने अल्ट्रासाउंड में कि उनका अंडा जो है वो कम से कम 10 mm साइज का हुआ है। इसके बाद हम महिला को हर सेकेंड ऑल्टरनेट डे या ऑल्टरनेट डे को बुलाते हैं, यानी कि 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के महिला को IVF क्लिनिक में चेकअप के लिए आना पड़ता है। करीबन 8वें-9वें दिन के आसपास हमें पता चलता है कि फॉलिकल ऑलमोस्ट 14 mm का यानी कि 14 mm का हो चुका है। जब फॉलिकल 14 mm या उसके पार जाता है तो हम RFSH में सेट्रोलिक्स ऐड करते हैं, जो आपका ये इंजेक्शन है। यानी कि एक हाथ में महिला को सेट्रोलिक्स लगता है और दूसरे हाथ में RFSH लगता है। जैसे जैसे आपका स्टिम्युलेशन आगे बढ़ता जाएगा, 10 या 12 दिन के स्टिम्युलेशन के बाद हम ये देखते हैं कि आपके जो अंडे हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, यानी कि 18 mm के मैच्योर अंडे आपके पास हैं। तब आपको HCG ट्रिगर या ल्यूपराइड ट्रिगर दे सकते हैं, जो ये है, ये आपका HCG ट्रिगर है और ये आपका ल्यूपराइड ट्रिगर है। खास के पॉलिसिस्टिक ओवरीज के पेशेंट में ल्यूपराइड ट्रिगर
बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। पॉलिसिस्टिक ओवरी के आईवीएफ के स्टिम्यूलेशन में ओएचएसएस नाम की बहुत भयानक बीमारी हो सकती है। ये एक तरीके का साइड इफेक्ट है पॉलिसिस्टिक ओवरी पेशेंट के टेस्ट ट्यूब बेबी का। तो उस बीमारी को यानी कि ओएचएसएस को प्रिवेंट करने के लिए हम ल्यूप्राइड एसीटेट का ट्रिगर इस्तेमाल कर सकते हैं। ल्यूप्राइड एसीटेट के साथ हम पॉलिसिस्टिक ओवरी पेशेंट का आईवीएफ भी एकदम सेफ्टी के साथ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर इसमें कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में पूछना ना भूलें। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी ड्रग पे एकदम डिटेल वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मुझसे कर सकते हैं। मैं IVF, लैप्रोस्कोपी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।